वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के नाम पर मंच यहां सज चुका है। तिरंगा ध्वज लहराने की रिकॉर्ड तोड़ तैयारी यहां की गई है और बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं बिहार के, उनमें से कुछ यहां नजर आ रहे हैं। और तैयारियों को देखने के लिए संजय मयूख है, बगल में गुरु पासवान आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन शक्ति प्रदर्शन इसे कहा जाए बीजेपी का? नहीं, शक्ति का प्रदर्शन नहीं, उस वीर बाकुरा के शौर्य का हम प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस वीर बाकुरा पर हमको स्वाभिमान है, बिहार को अभिमान है, और बिहार ही नहीं अपितु देश ने जिस प्रकार से वीर कुंवर सिंह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी माना है, उसी प्रकार आज बिहार का हर व्यक्ति एक रिकॉर्ड कायम करने के लिए इस दुलार के मैदान में, जहाँ युद्ध हुआ था, इस दुलार के मैदान में उपस्थित है। इसको सब लोग देख रहे हैं और यह विजयोत्सव एक रिकॉर्ड बना के निकलेगा, ऐसी हमारी संभावना है। इसके पीछे मकसद क्या है? आज तिरंगा लहराने की तैयारी है ये तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्या मकसद है, किस तरह बताएंगे आप? बता पाएंगे या नहीं? नहीं, मकसद हमारा साफ है, देश का स्वाभिमान, देश का शौर्य और इसका प्रकटीकरण। तो इसको हम प्रकट कर रहे हैं कि हमारे वीर बाकुरा कुंवर सिंह जी के यह जो विजयोत्सव है एक नए इतिहास को रचेगा। विश्व में जिस तरह से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने एक इतिहास रचा था, उसी प्रकार आप जुनून देख रहे हैं, आप जोश देख रहे हैं। मैं तो आपके कैमरामैन से भी आग्रह करूंगा, उस जोश को दिखाइए, जो जोश आज बिहार की धरती पर, जगदीशपुर की धरती पर नजर आ रहा है, जहां माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं और अमित शाह जी इस ऐतिहासिक सभा को संबोधित करेंगे, जहां से एक इतिहास रचेगा। गुरु जी, आपसे सवाल ये है कि एक तरफ जहांगीरपुरी के दंगे की जो खबर है वो अभी थमी नहीं है, दूसरी तरफ बिहार में आरा में तिरंगा लहराया जा रहा है, दिल्ली में दंगा और बिहार में तिरंगा। देखिए, दोनों चीज़ों को जोड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं है। आज का दिन एक अद्भुत, अभूतपूर्व, ऐतिहासिक और अप्रत्याशित होने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने अखबार में भी देखा होगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लोग यहां आ चुके हैं और 75,000 की संख्या, हम लोग जो बिहार का स्वाभिमान है, बिहार का गौरव है, इस आरा की पुण्य भूमि पे, इस आरा की पवित्र भूमि पे देश के सम्मानित गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आने वाले हैं और उनके द्वारा हम आज श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले और स्मरण करने वाले हैं और उससे वर्तमान पीढ़ी को यह संदेश देने वाले हैं कि राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सर्वोपरि है और उसके अलावा कुछ और नहीं है। संजीव चौरसिया भी है, विधायक है ये, और आपसे सवाल ये है कि आज मंच पर तैयारियां तो बिल्कुल पूरी हो चुकी है, लेकिन इस तैयारी के साथ क्या एक नया संदेश भी बिहार में जो गठबंधन है उसको देने की कोशिश करेगी बीजेपी? नहीं, पूरी तरह से संदेश का सबसे बड़ी बात है कि अमृत महोत्सव में आज बाबू वीर कुंवर सिंह जी को वर्षों वर्षों तक पूर्व के सरकार ने जो पहचान देश स्तर पर नहीं दे पाए, अब वर्तमान सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी एक प्रकार का जो बूर योद्धा 1857 के क्रांति का विजय उत्सव, ऐसे योद्धा हैं जिनके विजय उत्सव के इस पे हम लोग मनाने का काम करते हैं प्रत्येक वर्ष, तो वो अपने आप में ऐतिहासिक जगत को एक अलग पहचान इस रूप में देने का काम अब बाबू वीर कुंवर सिंह जी को जो योगदान आज़ादी का आंदोलन का जो रहा है उसकी पृष्ठभूमि में करते हुए अब पूरे गठबंधन के नेतृत्व को एकीकृत के साथ ये संदेश देने का भी काम हो रहा है। नए गठजोड़ पर भी चर्चा होगी क्या? वो कोई ऐसा कोई विषय नहीं है, जब सबसे बड़ा आज का दिन है, अमृत महोत्सव का जो दिन है, ये बहुत गौरवमय क्षण है और विश्व के इतिहास में जो रिकॉर्ड भी बनने वाला है ये अपने आप में गौरवान्वित करने वाला, इस धरती को, जगदीशपुर की धरती को, माटी को अपने विश्व की पहचान की आज दिन है। दिल्ली की जो तस्वीर है उससे हम सब वाकिफ है, जहांगीरपुरी में जो हुआ वो अभी पूरी तरह थमा नहीं है, लगातार जो है वहाँ पर भी वाद विवाद चल रहा है, पक्ष विपक्ष आरोप लगाता रहा है, लेकिन इस बीच अगर बिहार में इस तरीके की तस्वीर जो है वो नजर आ रही है तो इस पर क्या कहें? आज सब प्रकार के विषय को जब आकलन करेंगे तो आज सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्र गौरव का जो क्षण है उस क्षण को हमको आज याद करना चाहिए और उस क्षण को याद करते हुए आज के दिन को गौरवान्वित करने का क्षण है। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरीके से जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं उनमें से कोई भी ये कहने को तैयार नहीं है कि क्या आज मंच पर क्या कुछ नया जो है वो सजने वाला है या क्या कुछ नया जो है वो यहाँ पर होने वाला है। मंच बिल्कुल तैयार है, लेकिन सभी जितने बीजेपी के नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वक्ता कह लीजिए, प्रवक्ता कह लीजिए, सभी सिर्फ एक सुर में एक ही बात कह रहे हैं कि ये सब कुछ राष्ट्र के नाम पर हो रहा है और तिरंगा के नाम पर हो रहा है। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ हितश्री एबीपी न्यूज आरा जगदीशपुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।